से लगातार जो लोग जीतते गए लोग हवा हवाई लोग है, गरीब के बीच रहने वाला लोग नहीं है। खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको देख के वोट देगा लोग कि मोदी जी को वोट देगा देख के, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो लायक नहीं है। जब कहा था कि मोदी जी के लोग देख के वोट करी कि हमारा रूडी जी के, जब रूडियो जी बोल रहे हैं यानी खुद ही मान रहे हैं कि वो सक्षम उम्मीदवार नहीं है, तब मोदी जी कोनो जो लोग ही कहता है कि मोदी जी को ऊपर देख के वोट देखो दो, तो मोदी जी नीचे गरीब के देखे ले और तो केवल पूंजीपतियों के देखते हैं, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, हवाई जहाज हवाई अड्डा बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, सब बेच दे ले बड़े, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लालू जी का, राहुल जी का, यचुरी जी, डी राजा जी, शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का, केजरीवाल जी का, हेमंत सोरेन जी का, स्टालिन जी का, हम सब विपक्ष का सरकार बनेगा तो तेजस्वी ने 5 लाख बिहार में नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी का व्यवस्था करके आ गए। प्रक्रिया धीर है लेकिन ये लोग अभी दबा करके बैठा हुआ है। सब विभाग में नौकरी निकलवा करके आए हम, 5 लाख नियुक्ति पत्र दिलवाए तो चाचा जी पलट गए तो 3 लाख और करा करके आए, बाकी है वो भी निकालना है, हम लोग लड़ेंगे वो भी निकलवाएंगे, लेकिन इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश भर में आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हो, 4 साल के कोनो ठेका पर हो, 18 साल में ज्वाइन करो, 22 साल में रिटायर कर जाए, मुछो नायल की रिटायर हो जाइयो। जो भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही होगा। ये अग्निवीर योजना में कहा अरे भाई इसमें शहीद हो हमारे भाई तो शहीद के दर्जा ना मिली, पेंशन ना मिली, इसमें कैंटीन के व्यवस्था सुविधा ना मिली, मेडिकल की व्यवस्था ना मिली, इसलिए अग्निवीर योजना के हम लोग समाप्त करें और जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस बा उनको हम लोग जो है शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। पहले जैसे रेलवे में बहाली निकलता था, बताओ 7-8 साल में कौन सा बहाली आया जी रेलवे में? लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, हर बजट में किराया कम किए, भाड़ा कम किए। लालू जी के जमाने में रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपया था, अभी 50 रुपया हो गया। लालू जी कारखाना दिए, गरीब रथ चलवाए, एसी में गरीब सफर कर पाए वो भी चलाने का काम किया लालू जी ने। कहार भाई लोग के लिए कूलर चलो दिलवाने का काम किए रेलवे में कूलर, ताकि उनका घर गृहस्थी जो है चलता रहे। लेकिन लालू जी को फंसाया गया, हमने लोग के फंसाया गया, केस मुकदमा किया गया, तो लालू जी कभी भी भाजपा के आगे डरे नहीं है ना झुके हैं। लालू जी जब नहीं डरे तो उनका लड़का लड़की भी डरने वाला नहीं है। गरीब की लड़ाई को लड़ेंगे, गरीब के अधिकार को दिलाएंगे, सभी वंचित शोषितों को मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग करेंगे। तो आप सब लोगों को बता दे कि इंडिया का सरकार बनेगा तो आने वाला रक्षाबंधन को साल में 1 बार गरीब बहन के 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना कह के आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि इतने गर्मी में भी धूप में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सब हम लोगों के मालिक हैं और आप सब लोगों से यही अपील है,
कि इस बार मौका चूभना नहीं है। जब तक मशीन वोट पूरा पड़ ना जाए तब तक बूथ से हिलना नहीं है। तो जिताना है ना। आदरणीय लालू जी को आश्वस्त कीजिए दोनों हाथ उठा करके, तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा ना। और आज हम लोगों के साथ सैकड़ों में जो साथी जो है वो शामिल होने वाले हैं, वीरेंद्र शाह मुखिया जी, मुन्ना कुमार जी, विद्यासागर विद्यार्थी जी, जयप्रकाश शाह मुखिया जी, अनिल शाह जी, कृष्णा शाह जी, लक्ष्मण शाह जी और उनके सभी साथी जो है आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। हम आ करके आप सब लोगों को बधाई देते हैं कि पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। तो ए रुक जाओ यार, रुक जा भी। देखा भोजपुरी के शेक्सपियर तो भिखारी ठाकुर रहलन, हमनी के गाना वाना ना आवेला लेकिन ठीक ठाक गुनगुना लेली, हाँ कि ना। तो मोदी जी के लिए गाय के बा, मोदी जी का जो असल चेहरा बा, सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम ऐसा ना देखनी हो। तो पूरा बिहार के जनता, देश के जनता कहाँ कहता, कौन गाना गाता, गोविंदा के मूवी बा गाना हो, हमारा सगे गाय के बाद तबे हम गाए, जोर जोर से गाय के बाद ताकि प्रधानमंत्री सुनिए। अरे तुम तो के बाज हो वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, बहुत बहुत धन्यवाद सारण की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद।